Hi, this is Jalal. In this video, we will try to learn the concept of percentage and we will solve the numericals also for JK SSB class 4th examination. Sabse pehle hum dekhenge what is a percentage. Percentage means expressing a number as a fraction of 100. That is, percentage means expressing a number as a fraction of 100. That is to say, if we have 45%, let us say, now this means we express this 45% as a fraction of 100. That means we write this as 45 divided by 100. That means this is 45 per 100, because percentage means we have percent means 100. That is, if it is 45%, its equivalent fraction would be 45 divided by 100. That means 45 out of 100. So this is the easy issue here. Now there are some rules which are applied in expressing or converting a fraction into percentage, or converting a percentage into fraction. That is, first rule is, that is, for converting a fraction into percentage, we multiply by 100. We multiply it by 100. That is, agar hamare paas ek fraction hai, that is, let us say we have 3/5, aur hame isko convert karna hai into percentage. So yahan pe ye fraction hai, so this is fraction and we have to convert it into percentage. Hum kya karenge, jo hamara 3/5 hai, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे हम यहाँ पे. तो ये बन जाएगा हमारा 3 × 100 is 300 / 5. दैट इज 5 6 30 5 0 0. सो दैट इज द 60% इम्प्लाइज 3/5 इज इक्वल टू 60%. हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारी फ्रैक्शन थी इसको मल्टीप्लाई किया है बाई 100 और हमारी ये फ्रैक्शन बन गई इन परसेंटेज. दैट इज 3/5 इज इक्वल टू 60%. नाउ अनदर रूल इज, दैट इज, आई विल राइट हियर, फॉर कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. दैट इज फॉर कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइड बाई 100. सो इसका उल्टा हो जाएगा, डिवाइड इट बाय 100. दैट इज, अगर हमारे पास परसेंटेज दी गई है, दैट इज हमारे पास अगर 60% हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से. दैट इज ये 60% है, 60 इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो ये बन गया हमारा, दैट इज 6/10, विच इज इक्वल टू 2 3 6, 2 5 10. सो 60% इज इक्वल टू 3/5. फॉर कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई सॉरी वी डिवाइडेड बाय 100. सो ये थे कुछ सिंपल रूल्स. अब इसी के साथ हम देखेंगे तीसरा रूल.
नाउ एक और रूल है यहाँ पे, दैट इज इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय एक्स परसेंट, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर एक्स परसेंट इंक्रीज हो जाती है, द कंजप्शन देट शुड बी रिड्यूस्ड सो देट एक्सपेंडिचर रिमेनिंग सेम इज गिवन बाय दिस फार्मूला। हमें कितनी अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, उसके लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल होगी। चलो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ये कैसे होता है। सो एग्जाम्पल है, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट ए फैमिली मस्ट रिड्यूस दियर कंजप्शन ऑफ शुगर सो देट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाती है 25% से, हाउ मच परसेंट ए फैमिली मस्ट रिड्यूस, फैमिली को कितना कंजप्शन ऑफ शुगर कम करना पड़ेगा, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो देट एक्सपेंडिचर रिमेनिंग सेम, जितना वो पहले एक्सपेंडिचर करते थे उतना ही रहे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो उसको अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी वही रहनी चाहिए जो इससे पहले थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन इन दैट इज रिडक्शन इन कंजप्शन कंजप्शन ऑफ शुगर दैट विल बी इक्वल टू, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एक्स परसेंट दैट मीन्स इंक्रीज इन बाय 25%। सो यहाँ पे एक्स के बदले हम लिखेंगे 25% डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स है 25%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। सो जो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा उतनी कंजप्शन फैमिली को कम करनी पड़ेगी शुगर की। तो सो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स के बदले हमारा है 25, सो आई विल राइट हियर 25, सो दिस विल बिकम 25 डिवाइड बाई 125 टाइम्स 100%। सो ये यहाँ पे 25 वन जार 25 फाइव जार टाइम्स 100 दैट इज इक्वल टू 5 वन जार 5 20 जार। सो फैमिली को शुगर ऑफ कंजप्शन 20% कम करनी होगी ताकि उसका एक्सपेंडिचर वही रहे जो इससे पहले था, प्राइस इंक्रीज होने से पहले। दैट मीन्स अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है 25%, कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी 20% ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे यहाँ पे। सो ये एक रूल है। अब यही रूल है थोड़ा मॉडिफाई करके, इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज बाई एक्स परसेंट द कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द कंजप्शन रिमेनिंग सेम बाई एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स टाइम्स 100%। दैट इज, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। सवाल कह रहा है अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाती है एक्स परसेंट से, द कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, हम कितना कितनी परसेंट हम इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, उसके लिए फार्मूला है एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स। दिस एक्स इज द परसेंटेज ऑफ प्राइस डिक्रीज डिवाइड बाई 100 माइनस दिस एक्स टाइम्स 100%। सो क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ प्राइस ऑफ ऑयल फॉल्स बाय 10%, फाइंड हाउ मच परसेंट ए फैमिली मस्ट इंक्रीज दियर कंजप्शन ऑफ ऑयल सो देट कंजप्शन रिमेनिंग सेम। सो क्या करना है, बस इस फार्मूला को इस्तेमाल करना है, दैट इज इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ ऑयल, इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ ऑयल दैट इज परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंट इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू दैट इज दिस 10 एक्स जो हमारा यहाँ पे नाउ 100 माइनस एक्स, दैट इज 100 माइनस एक्स, एक्स सेम है सो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, सो जो यहाँ पे आएगा उतना इंक्रीज हमें कंजप्शन ऑफ ऑयल करनी पड़ेगी, ताकि हम सेम एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। सो यहाँ पे दिस इज 10 100 - 10 दैट इज 90 times 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 10 10s are 100 divided by 9। नाउ 10 दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, दिस इज 9 1s are 9, यहाँ पे 1 आ गया, 9 1s are 9 और यहाँ पे भी 1 आ गया, फिर ये डेसिमल, तो फिर 1 यहाँ पे फिर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे निकला हमारा आंसर 11.1%। सो कहने का मतलब है कि अगर प्राइस ऑफ ऑयल फॉल हो जाती है बाय 10%, दैट मीन्स हमें अपनी कंजप्शन 11.1 इंक्रीज करेंगे हम ऑयल का, ताकि हमारा बजट सेम रहे, एक्सपेंडिचर जो पहले था प्राइस फॉल होने से पहले वही। दैट इज इफ प्राइस डिक्रीजेस बाय 10%, कंजप्शन शुड इंक्रीज बाय 11.1%, ताकि हमारा बजट भी सेम रहे, दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं एक और रूल की तरफ, दैट इज इफ ए इज एक्स परसेंट ग्रेटर देन बी, देन बी इज एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स टाइम्स 100% लेस देन ए। अगर ए एक्स परसेंट ज्यादा है बी से, देन बी इतना परसेंट कम होगा ए से। क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज इफ साहिल्स सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ नासिर, देन हाउ मच परसेंट इज नासिर्स सैलरी लेस देन दैट ऑफ साहिल्स सैलरी। सवाल कह रहा है अगर साहिल की सैलरी 50% ज्यादा है नासिर से, तो नासिर की कितनी परसेंट सैलरी कम होगी साहिल से, वो कैसे निकालेंगे हम। सिंपल, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नासिर सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ साहिल्स साहिल्स सैलरी बाय यूजिंग द फार्मूला। सीधा हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 50% इंक्रीज हुई है, तो मोर देन डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स के बदले हम लिखेंगे 50 टाइम्स 100%। सो यहाँ पे ये निकल के आएगा 50 डिवाइड बाय 150 टाइम्स 100, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये यहाँ पे निकलेगा 5 1s are 5 3s are 50, सो 1 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 100%। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 100 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3 3s are 9 और फिर ये बन जाएगा 10, सो 3 3s are 9। सो यहाँ पे हमारा कोशेंट रिमाइंडर हमारा 1 रहा और हमारा कोशेंट था 3, सो दिस मच परसेंट, दैट मीन्स नासिर सैलरी इज 33 1/3% लेस देन दैट ऑफ द साहिल सैलरी। दैट इज इफ, चलो इतना काफी है यहाँ पे। चलो एक और रूल देखते हैं, if a is x percent less than, that is if a is x percent less than b, then b is this percent more than a, that is agar a x percent kam hai b se, then b itne percent zyada hoga a se।
क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। इफ खालिद्स इनकम इज 30% लेस देन दैट ऑफ शाहिद्स शाहिद्स देन हाउ मच परसेंट इज शाहिद्स इनकम मोर देन दैट ऑफ खालिद्स इनकम। सो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे खालिद की इनकम 30% ज़्यादा है शाहिद से, हमें अब इसका उल्टा देखना है कि शाहिद की इनकम कितनी ज़्यादा है खालिद की इनकम से इन परसेंटेज। सो दैट इज शाहिद्स इनकम इज मोर देन दैट ऑफ खालिद्स, दैट इज गिवन बाय एक्स। यहाँ पे हमारा एक्स है, एक्स विल बी 30 डिवाइड बाय 100 माइनस 30 टाइम्स 100, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये अब आ गया 30 डिवाइड बाई 70 टाइम्स 100। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 300 डिवाइड बाई 7, दिस कम्स आउट टू बी हियर 7 4 जार 28, फिर ये बन जाएगा 20, दैट इज 7 2 जार 14, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 6 और ड्यूजर हमारा 7 है। सो वो इतनी परसेंट ज़्यादा है, दैट इज शाहिद इनकम 42 6/7% ज़्यादा है खालिद की इनकम से। सो कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे मोर का कॉन्सेप्ट था देन यहाँ पे प्लस आ जाता, अगर यहाँ पे लेस का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो ये दोनों रूल्स सेम है। अनदर रूल इज इफ ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम ए पर्सन कैन बाय एक्स केजी मोर इन वाई रुपीज द एक्चुअल प्राइस ऑफ आइटम वाज, दैट इज इक्वल टू रेट टाइम्स वाई डिवाइड बाय 100 माइनस रेट टाइम्स एक्स, दैट इज द परसेंटेज डिक्रीज दिस पर्सन रेट इज हाउ मच परसेंट ऑफ प्राइस हैज डिक्रीज्ड। सो इसको हम समझ लेते हैं एक न्यूमेरिकल से। इफ जॉन कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 100 rupees एज प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। सवाल क्या कह रहा है, अगर जॉन 5 kg शुगर ज़्यादा खरीदता है 100 rupees में, जब प्राइस ऑफ शुगर कम हो जाती है 10%, हमें देखना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी शुगर की। सो वो हम कैसे निकालेंगे, हम जैसे यहाँ पे रेट दी हुई है 10%, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 times y, यहाँ पे हमारा 100 है, सो वी विल राइट 100 divided by दिस फार्मूला 100 माइनस रेट क्या थी डिक्रीज होने की 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो ये निकल के आएगा यहाँ पे 5 1s are 5 2s are, सो 2 into 100 is 200 divided by 100 minus 10 is 90, इसको इसे कैंसिल करेंगे। सो ये यहाँ पे आएगा 9 2s are 18, और हमारा रिमाइंडर निकला 2 divided by 9। सो इसका मतलब था कि ओरिजिनल प्राइस था 2 2 by 9 पर केजी, दैट इज रुपीज 2 2 by 9 पर केजी। अनदर रूल इज इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट एक्स परसेंट ऑफ टोटल वोट्स कॉस्ट एंड स्टिल लूजेस बाय वाई वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कॉस्ट इज गिवन बाय द फार्मूला 100 into y divided by 100 minus 2x। सो एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। In an election contested by two candidates, one candidate got 40% of total votes and still lost by 500 votes. Find total number of voters. एक election में दो candidate थे, एक candidate को 40% votes आए total votes में, और still फिर भी वो 500 votes से हारा। हमें देखना है कि total votes कितने cast हुए। सो टोटल वोट्स कॉस्ट, दैट इज टोटल वोट्स कॉस्ट इज इक्वल टू 100 into y इज द नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ही लूजेस, दैट इज 500 divided by 100 minus 2 times
the percentage, that is 40%, that is 40 here. So this comes out to be this is 100 into 500 divided by 100 minus 80. This comes out to be 100 into 500. So hum aise hi rakhenge isko, 500 divided by 100 minus 80, that is 20. Now 21s are 25s are, and 5 into 500 is equal to 2500. Therefore total votes cost is equal to 2500. So एक और रूल है, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट, नेट इफेक्ट इज ऑलवेज डिक्रीज्ड बाय, दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 परसेंट. दैट इज अगर हमारा कोई नंबर है फर्स्ट वो एक्स परसेंट से इंक्रीज होता है, फर्स्ट वो एक्स परसेंट से इंक्रीज होता है, फिर सब्सिक्वेंटली एक्स परसेंट से डिक्रीज भी हो जाता है, तो नेट इफेक्ट हमेशा डिक्रीज ही होगा. और वो कितना होगा वो हम देते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 से. दैट इज इफ सैलरी ऑफ ए वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% एंड देन इट डिक्रीज बाई 5%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी. ही यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सैलरी इज द डिक्रीज, दैट इज परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू परसेंट डिक्रीमेंट और डिक्रीज इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 5² डिवाइड बाय 100%. दिस कम्स आउट टू बी 25 डिवाइड बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 0.25%. सो उसकी सैलरी 0.25 से डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज सेम परसेंट से होने चाहिए, तभी हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. अनदर शॉर्टकट फार्मूला इज इफ ए वैल्यू इंक्रीजेस बाय एक्स परसेंट एंड अगेन डिक्रीजेस बाय वाई परसेंट, द परसेंट चेंज इज गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100%. सो द चेंज इज गिवन बाय दिस वेरी रिलेशन. नाउ we will see a question. A number is increased by 10% and then decreased by 10%. The net increase or decrease is, so we will see net increase or decrease is given by, we will see percent change is equal to, here first the value increases by 10%, so we will use this relationship, that is x minus y, that is 10 minus 10 here, 10 minus 10 minus 10 into 10 divided by 100%. So yahan pe isko solve karenge, 10 minus 10 is 0, that is 0 minus 10 tens are 100, that is 100 divided by 100%. So yahan pe hamara nikla minus 1%, because 100 cancels with this 100, so we are with minus 1%. That means the net there is net decrease of 1%. So we will see say that there is decrease in 1%. This minus means decrease in 1%. Okay. अगर हमारा ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे हमारा लेट अस से यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 10 था, तो फिर क्या होता यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हम इस्तेमाल करते, यहाँ पे 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, सो वो आता हमारा 20 माइनस 10 इज 10 माइनस 20 इंटू 10 is 200 divided by 2. So yahan pe ye 200 divided by 100, so this is here 200 divided by 100, that is 10 minus 2
दैट इज इक्वल टू 8%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमारा जो नेट इंक्रीज होता इस कंडीशन में, नेट इंक्रीज इन नंबर वुड हैव बीन 8%। सो अगर सेम नंबर से यहाँ पे चेंज होता है क्वेश्चन, देन वी कैन स्किप दिस वन एंड यूज दिस आइडेंटिटी ऑल ओनली।